चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्यशाली पुरुषों के बारे में बताने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जिन पुरुषों में होते हैं ये लक्षण वो भाग्य के बहुत धनी होते हैं। दोस्तों, भाग्यशाली पुरुष की पहचान को लेकर शास्त्रों में कई ऐसी बातों का विवरण है जिससे हम अपना भाग्य जान सकते हैं। जी हाँ, अब तक आपने भाग्यशाली महिलाओं के बारे में तो खूब रिपोर्ट सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको भाग्यशाली पुरुषों के बारे में कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप पता लगा सकते हैं कि पुरुष भाग्यशाली है या नहीं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख मिलता है जिससे ये पता लग सकता है कि कौन भाग्यशाली होता है और कौन नहीं। जी हाँ, गरुड़ पुराण में उल्लेखित उन्हीं बातों में से कुछ ऐसे लक्षण हम आपके लिए लाए हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप भाग्यशाली है या नहीं। अगर नहीं है तो आज से ही इन लक्षणों का पालन करना शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से लक्षण हैं जो पुरुषों को भाग्य का धनी बनाते हैं। दोस्तों, नंबर एक पर बताया जाता है कि जो पुरुष अपने परिवार का ध्यान रखता है, साथ ही मित्रों या परिवार के साथ हमेशा संपर्क में रहता है, ऐसे पुरुष भाग्य के धनी होते हैं। दोस्तों, ऐसा पुरुष जो एक बेहतर श्रोता हो, यानी उसे बोलने से ज्यादा सुनने में दिलचस्पी हो, ऐसे पुरुषों का वैवाहिक जीवन सफल और सुखी रहता है। दोस्तों, तीसरी बात बताई जाती है कि जो पुरुष अपनी निजी बातें किसी के सामने उजागर नहीं करता है वो भाग्य का धनी होता है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक निजी बातों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, चौथी बात बताई जाती है कि जो पुरुष खुद की तारीफ नहीं करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में खुद की तारीफ करना अहंकार माना जाता है। दोस्तों, बता दें कि जो पुरुष सभी का आदर करता है उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है, साथ ही उसमें किसी को लेकर कोई भी बुरा ख्याल नहीं होता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म की राह पर चलकर धन कमाता है, यानी किसी भी तरह का पाप करके या गलत ढंग से पैसा नहीं कमाता है, ऐसे लोग भाग्य के बहुत धनी माने जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो पुरुष अपनी लाइफ में खुश रहता है, यानी जो उसके पास है उसमें संतुष्ट रहता है, वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। दोस्तों, हम लास्ट में आपको बताते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक जो पुरुष सुबह उठकर व्यायाम करता है उसकी लाइफ खुशहाल रहती है, साथ ही सुबह उठने से भगवान की कृपा भी उस पर बरसती है। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे, ये 8 बातें थी भाग्यशाली पुरुषों के बारे में। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये लक्षण वाले पुरुष भाग्यशाली माने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर आपके अंदर ये लक्षण नहीं है तो आप प्लीज इन लक्षणों को लाने की कोशिश जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अगर आप गरुड़ पुराण के इस ज्ञान से सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।